आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ओरल केयर फॉर किड्स, बच्चों में हम बच्चों के दांतों की और उनके मुंह की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। जी मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद शोएब अहमद एंड आई एम कंसल्टेंट डेंटल सर्जन इन लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ओरल केयर फॉर किड्स, बच्चों में हम बच्चों के दांतों की और उनके मुंह की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हमारी हाइजीन की मेंटेनेंस आ जाती है, दैट इज़ ब्रशिंग। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि जिस दिन बच्चों के मुंह में एक दांत नमोदार होता है उसी दिन से सुबह और शाम उनके दांतों की सफाई होनी चाहिए, जो कि आप कोई भी बेबी ब्रश ले सकते हैं अच्छे मार्केट से और आपने सुबह और शाम उनके दांतों को साफ़ करना होता है रेगुलरली। याद रहे कि 2 साल की उम्र तक आपने बच्चे की टूथपेस्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना, 2 साल तक सिंपल सादे ब्रश से आपने दांतों को साफ़ करना है। 2 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक के लिए आपने बच्चों के लिए टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है तो फ्लोराइड फ्री इस्तेमाल करना है, बेहतर है फ्लेवर्ड जो बच्चों के टूथपेस्ट होते हैं। और 2 साल के बाद जो आपने क्वांटिटी यूज़ करनी है वो बहुत कम, जिस तरह चावल के दाने के बराबर आपने टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। अगर आपका डेंटिस्ट सजेस्ट करता है इस टाइम में तो आप फ्लोराइड टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं 6 साल तक। याद है कि बच्चे के लिए आपने 6 साल तक आपने ख़ुद बच्चे को दांत ब्रश करवाना है और 6 साल के बाद उनको सुपरवाइज ज़रूर करना है, जब तक आपके बच्चे के हाथों की मूवमेंट इतनी फाइन ना हो जाए कि वो अपने लेसेस बंद कर सके। इसके बाद आ जाते हैं डाइट में, आप क्या चेंजेस ला सकते हैं। डाइट में चेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। याद रहे अगर बच्चा मदर फीड पे है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है 2 साल तक। अगर किसी वजह से मदर फीड पर नहीं है और बॉटल फीड पर जाता है तो मेक श्योर करें कि 3 साल तक तो कोई भी उसके मिल्क में आपने शुगर ऐड नहीं करनी, उसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही उसकी डाइट बढ़ जाती है। कुछ दिन के लिए बढ़ेगी, उसके बाद दोबारा नॉर्मल आ जाएगी और उसका एडेड नुकसान क्या होगा, दांतों में कीड़े लग सकते हैं। और दूसरा ये कि बच्चा जो दूसरी खुराक है वो लेना बंद कर देता है क्योंकि वो स्वीट के साथ ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है। इसके अलावा जो कोशिश ये डाइट में जो चेंजेस ला सकते हैं वो ये ला सकते हैं कि दिन में 4 से 6 मरतबा खाना पीना हो, इससे ज़्यादा आगे पीछे खाना पीना कम हो। लाइफ में चॉकलेट्स जो हैं आपके, बिस्किट्स, फिजी ड्रिंक्स और ये जितनी भी फ्रूट ड्रिंक्स हैं आपके, जो जूसेस हैं वो अवॉइड करने हैं, वो उसको अवॉइड करें। इसके अलावा आप पानी लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश फ्रूट के जूसेस लें आप, ये बिल्कुल बच्चों के लिए बेनिफिशियल हैं रादर देन दूसरी चीज़ें। इसके अलावा जो बिस्किट्स हैं वो भी अवॉइड करने हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक नॉर्मल नॉर्म है कि वो समझा जाता है कि बिस्किट एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है बच्चों के लिए, जो कि नहीं है। उसमें एक हिडन शुगर कॉन्टेंट है, साथ में स्टार्च है, जो कि बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है बच्चों के लिए। तीसरा आ जाता है, लोग हमसे कॉमनली बड़ा पूछते हैं कि बच्चों को कितना फ्रीक्वेंटली डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। याद रहे एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने बाद अपने बच्चे को डेंटिस्ट को ज़रूर चेक करवाएं। 6 महीने के बाद जब आप चेक करवाते हैं तो जब डेंटिस्ट आपको अप्रूव कर देता है कि बच्चों में कोई मसला नहीं है वो, तो वो परमिट सिर्फ 6 महीने का होता है। 6 महीने तक आप, चूँकि 6 महीने के बाद अगर आप लेट करेंगे तो एनीथिंग कैन हैपन, आपके बच्चों के दांतों में बहुत तेज़ी से फ़र्क आते हैं, मसाइल डिवेलप हो सकते हैं। तो मेक श्योर करेंगे एवरी 6 मंथ आप डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। इसके बाद हमसे बड़ा फ्रीक्वेंटली एक सवाल पूछा जाता है कि बच्चों के दांत तो गिर जाने हैं तो हमें उसकी इतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो पेशेंट बच्चे रिपोर्ट होते हैं वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं और किसी मसले की वजह से आते हैं, रादर देन रेगुलर एक विज़िट हो। इस जिस तरह आपको मेक श्योर आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह हमारे दांत दर्द करते हैं उसी तरह बच्चों के दांत भी तकलीफ़ देते हैं बच्चों को। सिर्फ बच्चों ने आपके दूध के दांत गिर तो जाने होते हैं, जो बैक टीथ होते हैं बच्चों के दूध के वो 12 से 13 साल में जाके गिरते हैं। बच्चों ने उन्हीं से खाना पीना होता है और अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो उसका खाना पीना भी डिस्टर्ब होता है क्योंकि बच्चा ग्रोइंग फेज़ में है। इस टाइम ये ऐसा फेज़ होता है कि जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, तो उस टाइम में आप नहीं चाहेंगे कि बच्चों के दांतों में कोई पेन हो और मसाइल आए तो उसके खाना पीना भी अफेक्ट हो। जी मेरे साथ फिज़िकल अपॉइंटमेंट के लिए या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप marham.pk या marham ऐप के थ्रू मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।